दुर्गा पूजा के अवसर पर कोलकाता शहर में एक बेहतरीन रेस्टोरेंट खुल चुका है। पार्क सर्कस के फजल हक सरानी ठीक कोस्ट मॉल के अपोजिट, जिसका नाम है एक्सोटिक थाई फूड्स कोलकाता 17 में। कोलकाता के लोगों के लिए बेहतरीन और शानदार जायका दुर्गा पूजा के अवसर पर एक्सोटिक थाई फूड्स में आपको हर तरह की डिशेस थाई मिलेगी। सबसे बड़ी खासियत एक्सोटिक थाई फूड्स की ये है कि जिन खानों का स्वाद का जायका आप बैंकॉक और थाईलैंड में मिलता है, वो बैंकॉक और थाईलैंड के जायका अब आपको मिलेगा कोलकाता शहर में एक्सोटिक थाई फूड में। इंडियन फूड से लेकर चाइनीज फूड तक का जायका एक्सोटिक थाई फूड में मिलेगा। एक्सोटिक थाई फूड में खास थाई फूड बनाने के लिए शेफ को थाईलैंड से बुलाया गया है। इस रेस्टोरेंट में आपको केवल थाई फूड का ही स्वाद ही नहीं, बल्कि स्वादिष्ट कबाब, बिरयानी, ताज़ा मोजिटो और भी बहुत कुछ मिलेगा कोलकाता शहर के एक्सोटिक थाई फूड में। सबसे पहली बात है, सिराज भाई है, ये उनकी वाइफ है, तो ये सिराज का ये एक नशा है रेस्टोरेंट का। इसके लिए ये चाइना में भी ट्राई किया, ठीक है, फिर वहाँ पर लॉकडाउन की वजह से छोड़ देना पड़ गया, और उसके बाद थाईलैंड में भी, चूँकि हम लोग साथ ही में आते जाते हैं, तो बैंकॉक में भी इसने कोशिश की वहाँ पर रेस्टोरेंट करने के लिए। एडवांस वगैरह सब कुछ हो गया था, अब पता नहीं कोई मामला हो गया जिसकी वजह से वहाँ पर, तो हर बार जब भी हम लोग जाते हैं ट्रिप में, लेकिन क्या जितना देर 2 घंटा 20 मिनट का फ्लाइट होता है, 2 घंटा 20 मिनट में ये 2 घंटा रेस्टोरेंट थाई फूड, रेस्टोरेंट थाई फूड, रेस्टोरेंट थाई फूड, ये एक नशा था। नशा, जुनून, ये जुनून कि थाई फूड, हम क्या बोलते, 2 घंटा 20 मिनट का फ्लाइट है, 2 घंटा ये थाई फूड रेस्टोरेंट, थाई फूड रेस्टोरेंट, तो चलिए जुनून था। और आज अल्लाह की मर्जी से अपने उस जुनून को मुकम्मल करने में आज सिराज कामयाब हुआ। और चूंकि इस इलाके में समझिए कि ये एक नई पहचान है थाई फूड, थाई फूड लोग खाएंगे, बड़ा टेस्टी होता है, चूँकि हम लोग को थोड़ा बहुत खाते रहते हैं, इसका अंदाज़ा हम लोगों को है, तो हमारी यही दुआ होगी और अपील होगी, गुजारिश होगी कि लोग इस नए खाने से रोशनास होंगे, और उसके बाद अंदाज़ा लगेगा, फिर अल्लाह का करम होगा कि ये दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। और मैं सिराज के लिए, ये भाभी हैं, सिराज की वाइफ हैं, और ये देखिए, ये थाईलैंड से बिनखसूस बुलाया गया है कि थाई फूड को तैयार करने के लिए माहिरीन की ज़रूरत पड़ती, ये लोग थाई से आए हुए हैं। और सिराज के लिए मैं यही दुआ करूंगा कि बस दुआओं के सिवा सिकंदर क्या सौगात दे, बस दुआओं के सिवा सिकंदर क्या सौगात दे, कहते हैं लोग दुआओं में बड़ी तासीर होती है। आज भाई के रेस्टोरेंट की तरफ से, उनके अहलिया, उनके तमाम टीम की तरफ से, मैं अपनी तरफ से, अपने जो दुर्गा पूजा के मौके पर हम लोग मुबारकबाद दे रहे हैं, और इस साहिश के साथ भी कि चूँकि देखिए दुर्गा पूजा में बहुत तरह के सामान लोग निकलते हैं, घूमते हैं, खाते हैं, और ये थाई फूड का जो ओपनिंग आज हो रहा है, तो हमारी ये गुजारिश होगी कि एक बार कम से कम जहां आप बिरयानी खाते हैं, उसके अलावा और बहुत सारे चीज़ें खाते हैं, एक बार थाई फूड को टेस्ट करके देखिए। इंशाल्लाह रहमान, मैं जहां तक उम्मीद करता हूं और इस यकीन के साथ कि थाई फूड का भी आप एक बार टेस्ट लीजिए, उसके बाद आप खुद फैसला कीजिएगा कि हमने जो चीज़ को टेस्ट किया वो हमारे लायक है या नहीं है। और इसके लिए मैं यही कहूँगा कि क्वेस्ट मॉल है, 1 नंबर गेट के अपोजिट में ये सिराज भाई का थाई फूड का ओपनिंग हुआ है, तो अपील भी कर रहा हूँ, गुजारिश भी कर रहा हूँ, साइज भी है कि आप लोग एक बार कम से कम यहाँ तशरीफ़ लाए। और यहाँ पर जो चीज़ें देखिए, यहाँ पर बहुत सारी मैंने मुख्तलिफ किस्म के मशरूबात भी यहाँ हैं, मैंने शरबत, उसके अलावा खाने की बहुत सारी चीज़ें हैं, और सिर्फ थाई फूड ही नहीं है, इसके अलावा चिकन के भी बहुत सारे आइटम्स हैं। ये नहीं है कि सिर्फ थाई फूड ही हमको यहाँ खाने आना है, इंडो थाई, तो चिकन के बहुत सारे आइटम्स हैं वहाँ, यहाँ पर आपको जो है कि कबाब वगैरह है, चिकन टिक्का है, चिकन तंदूरी है, चाइनीज है, जो भी चाइनीज और मुगलई था उसके साथ, इसके साथ में पॉन्टी फूड है जी, सब कुछ इसमें मिलेगा, सब हलाल फूड के। ये तमाम जो खाने की चीजें हैं यहाँ या बिकने की चीजें, ये तमाम चीजें जो है वो हलाल है। और सिराज पहले भी बता चुका, यहाँ पर नो पोर्क, नो बूफ, नो बीफ,
क्योंकि हमें तमाम मजाहिब के लोगों को ऐसी जगह इकट्ठा करना है जहां पर किसी को किसी से एतराज ना हो। तो सामान लेते हैं आप लोग, ये है पैड थाई, इसमें चिंगड़ी और नूडल्स रहते हैं, ठीक है ना। ये हो गया पैड थाई, ये हो गया सुमताम सलाद, हो गया इसमें आपका नूडल्स और साथ में राइस नूडल्स है और आपका ऑस्ट्रिच सॉस और क्रैप्स है और इसमें बहुत सारा वैरायटी हो जाएगा, दिखने पे ऐसा है। इसमें आप किसी में चिंगड़ी, ऑक्टोपस, स्क्विड, क्रैप्स, इसमें जो भी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। ये हो गया ग्रीन करी, ये होता है कच्ची बैगन के टाइप का होता है सब्जी, छोटे छोटे बैगन होता है, उसमें चिकन के साथ दे करके इसका ग्रीन करी सूप बनता है, ये भी बहुत अच्छी है। ये आपका वाइट करी है, इसमें बहुत सारी वैरायटी आती है। मिनिमम हमारे पास इस दुकान पे एक्जैटिक 5 फूड ऐड की, इसमें मैंने अभी स्टार्टिंग मेनू 40 तो ऐड किया है। सारा चीज़ चिकन और मछली के ऊपर डिपेंड है, सी फूड के ऊपर। ये वाइट सॉस करी है और ये सुमताम एज अ नेशनल डिश है थाईलैंड का, जो वहाँ पर हर जगह पर मिलता है, लोकल जगह पर भी। जो आप इसको लोकल बाजार पे पपाया, कैरोट, इसमें सब मिला हुआ, वेजिटेबल और पीनट्स के साथ में। इसमें और बहुत सारा वैरायटी होता है, कभी कभी सुमताम में नाए कुंग हो सकता है, कुंग मतलब चिंगड़ी बोलते हैं वहाँ पर लोकल लैंग्वेज में, तो चिंगड़ी के साथ में आता है। उसके साथ में आप केंकड़ा के साथ भी बना सकते हैं जिसको। इसमें बहुत सारा चीज़ का वैरायटी है, एक आइटम पे 10 वैरायटी मिलेगी एक एक आइटम पे। लेकिन इंशाल्लाह आज से हम लोग स्टार्ट करें यार, वे दूसरा नेशनल डिश वहाँ का, ये तुम यम कुंग। तुम यम कुंग मतलब हो गया, कुंग मतलब होता है चिंगड़ी, और ये आपका इसमें बहुत सारा स्नेल भी ऐड करा सकते हैं सी फूड के जरिए से। आप इसमें आप मशरूम है, उसके बाद थाई जिंजर, लेमन ग्रास, आप यहाँ पर ही खा भी सकते हैं और साथ में यहाँ पर आप रेडीमेड फूड आप लेके घर पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये थाई फूड ऐट योर सिटी जो है, ये रेस्टोरेंट है और ऐट किचन भी है, और एक हमारा कंपनी है जो इसके साथ टाइप है, एग्जैक्टिक फूड ऐट योर सिटी। इसमें आपको रेडीमेड सारा सामान मिलेगा, मतलब आप रेडी टू ईट, आप कहीं पर भी सफर पर जा रहे हैं तो थाई फूड आपको शॉपिंग में सब सारा चीज़ में हलाल का लोगों के साथ मिलेगा। आप एक एक उस शॉप में आइए, आपको दिखला दे रहा हूँ, वहाँ पर आप रेडी टू ईट मतलब सफर पे जा रहे, मछली खाने का दिल हुआ लेके जाइए, सिर्फ ओवन में डालिए खा सकते हैं। मैक्सिमम चीज़ फ्रोजन आइटम में भी रहें, और आप यहाँ पर ही विजिट करने आइए, इंशाल्लाह उसमें ऑफर के ऊपर दिया जाएगा, दुर्गा पूजा ऑफर रहेगा। जैसे हर फेस्टिवल के हिसाब से हम लोग, इंडियन के हिसाब से हम लोग हर टाइम अपडेट करते रहेंगे। जी बिल्कुल रहेगा, कल से ये सारा सर्विस स्टार्ट हो जाएगा, अपना वेबसाइट के जरिए से भी कर सकते हैं, जोमेटो, उसके बाद स्विगी, पेट पूजा ऐप, सब में हम लोग का अपडेट हो चुका है। कल से ये सारा चीज़ इंशाल्लाह अपडेट हो जाएगा। सुबह 10-12 बजे से लेकर रात का 12 बजे तक किचन खुला हुआ है, डिलीवरी मैक्सिमम 2 बजे रात तक दे सकते हैं। नंबर फेसबुक, इंस्टाग्राम, लाइन आईडी 9831034370, ये आपका एग्जैक्टिक थाई फूड का नंबर है, रजिस्ट्री नंबर है। आप लोग कभी भी इसमें व्हाट्सअप और कॉलिंग दोनों सर्विस इसमें अवेलेबल है। तो सर्विस है दोपहर 12 बजे से लेकर के आपका रात का 2 बजे तक सर्विस है, लेकिन किचन ऑर्डर 12 बजे क्लोज हो जाएगा, उसके बाद आप ऑर्डर दे सकते हैं तो सर्विस नहीं मिलेगा आप लोगों को। ये जिस तरह का माहौल जाएगा, ये नया आसी ओपनिंग है, जिस तरह का कस्टमर क्लॉट रहेगा तो रात भर भी हम लोग खोल सकते हैं इंशाल्लाह। तुम यम ना खा की रान का मी ना खा मी तुम यम कुंग तुम यम थले तुम यम पा लगो गई खा อันนี้ก็คือส้มตำนะคะมี2อย่างส้มตำลาวแล้วก็ส้มตำไทยนะคะไม่ใส่ปลานะคะอันนี้อันนี้คือลาบไก่นะคะที่ร้านเป็นฮาลาลไม่มีหมูแล้วก็ไม่มีเนื้อด้วยค่ะเยอะจิ้งไก่ด้วยไหมอ่าดิสมันเอาปุ๊บนะเบสิกที่นี่แหละแต่เยอะเซมทูเซมเมนูอัพโลโก้ก็มีเลยค่ะจอบที่นี่เด็กเลยฮะเดมิฟูดเซมทูเซมอัพโลโก้ก็เรียลฟูดไม่มีเลยครับโลโก้แล้วก็ซิสเตอร์ยูบอกนะนี่อันนี้คือยำรวมมิตรทะเลนะคะยำรวมมิตรทะเลวินเซนค่ะรสชาติเปรี้ยวเผ็ดอร่อยส่วนอันนี้เป็นกรีนเคอรี่นะคะแกงเขียวหวานไทยค่ะอร่อยมากอันนี้แล้วก็นี่ซิสเตอร์ไวท์เคอรี่นะครับอันนี้ชิคเก้นโคโคนัทมิลค่ะเป็นต้มข่าไก่อันนี้ก็อร่อยมากเหมือนกันค่ะส่วนอันนี้คืออาหารประจำชาติไทยเลยนะคะคือผัดไทยค่ะผัดไทย